हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मन्ना जीस मेन्यू। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारा साउथ इंडियन चिट्टी मुत्यालू मुतंजन रेसिपी। जी हाँ, मुतंजन भी जो है हमारी तरफ चिट्टी मुत्यालू चावल से ही बनता है, तो ये ट्रेडिशनल तरीका है मुतंजन बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है चावल, तो चावल जो है 1 कप, इस कप के हिसाब से हमने लिया है। तो अगर किसी भी मेजरिंग कप से आप चावल लें, उससे डबल जो है आपको शुगर लेनी है, और 1:2 ही आपको पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप दूध से बना रहे हैं तो दूध भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो शुगर हमने ली है 2 ग्लास, और उसी के साथ यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें है काजू, बादाम, खजूर, सूखा खजूर, और जो है चिरौंजी। और इलायची पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर जो है स्किप भी कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं कुकिंग। तो कुकिंग शुरू करने से पहले आपको चावल भिगोने हैं, तो हाफ एन आवर के लिए आपको चावल जो है सोक करना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसको रख कर छोड़ दें, तो चावल जो है अच्छे से भीग जाएंगे। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं कुकिंग। यहाँ पर हमने ले लिया है एक भगोना, उसके गर्म होते ही इसमें ऐड कर देंगे घी। घी हमने लिया है चाय के कप से 1 कप घी। घी के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें बादाम ऐड करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट बादाम को जो है फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें खजूर ऐड कर लें, खजूर के बाद इसमें जो है काजू ऐड करें। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आप ऐड करें ड्राई फ्रूट्स, और आखिर में जो है इलायची चिरौंजी को आपने डालना है, क्योंकि चिरौंजी जो है बहुत जल्दी जो है जल जाती है, इसलिए आप आखिर में इसको ऐड करें। उसके बाद जो है इसमें इलायची पाउडर ऐड करके इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करें। जब ड्राई फ्रूट्स जो है हल्का सा गोल्डन होने लगे, उसमें ऐड कर दें पानी। तो पानी यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था 2 ग्लास मैंने इसमें ऐड किया है। तो जब ये वाटर बॉयल होने लगे, इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो इसको अच्छे से पकने देना है। तो इस तरह से जब पानी ख़त्म होने लगे, चावल को जो है दम दे देना है। तो इसको दम होने के लिए बहुत ही लो फ्लेम पे हम रखेंगे, ताकि चावल जो है 95% तक दम हो जाना चाहिए। तो ये चावल जो है अच्छे से दम हो चुके हैं, गल चुके हैं, और अब इसमें ऐड कर देंगे शुगर। शुगर के ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथ जो है इस तरह से मिक्स करेंगे, लो फ्लेम पर ही इसको इस तरह से मिक्स करें शुगर और चावल को। उसके बाद जब शुगर मेल्ट होने लगे, तब फ्लेम को हाई कर देना है और शुगर को जो है अच्छे से पकने देना है। तो इस तरह से जब ये पकने लगे, तो चाशनी को जो है एक धार के आने तक आपको पकाना है। तो दूध से भी आप जो है मुतंजन को बना सकते हैं, तो वो भी तरीका इंशाल्लाह मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह से जब ये मुतंजन जो है थिक हो जाए, आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है। ध्यान रहे कि ये ठंडा होने के बाद और भी जो है थिक हो जाएगा, उस हिसाब से आप इसको पकाएं। तो ये है हमारा मुतंजन ठंडा होने के बाद। तो बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार मुतंजन बनकर तैयार है ट्रेडिशनल तरीके से। आई होप कि आपको यह तरीका जो है पसंद आएगा। बासमती राइस के साथ भी मुतंजन, या जर्दा आप कहें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।